आज फोरलेन संघर्ष समिति की एक बैठक नूरपुर क्षेत्र में संपन्न हुई। तमाम सड़क निर्माण कार्य के विस्तारीकरण हेतु होने जा रहे प्रभावितों से मेरा नमन आग्रह रहेगा कि सरकार द्वारा मुआवजा राशि के प्रति बेरुखी का रवैया कम सर्कल रेट को आंकना निराधार है। तमाम प्रभावितों से अनुरोध रहेगा कि प्रशासन से पारदर्शिता के आधार पर सड़क की रूपरेखा मुआवजा राशि का आंकलन प्रदर्शित किया जाए। संघर्ष समिति नूरपुर के उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने कहा कि यदि मलकियत की निशानदेही के दौरान पड़ोसी के बाद विवाद हो जाता है तो हम सब न्यायालय का दरवाजा खटखटाते देर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो लगे लगाए व्यापार आशियाने उजड़ रहे हैं। क्या कारण है, हम सब अपने अधिकारियों को समर्पित कर रहे हैं। फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर का बतौर वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरे तमाम पदाधिकारी करीब 218 से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 कंडवाल से लेकर सुनी तक के विस्तारीकरण हेतु सरकार से पारदर्शिता के आधार पर सर्कल रेट व भवन निर्माण मुआवजा हेतु संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक रेट बढ़ाने की बजाय हमारे रेटों को 2018 से जो रेट थे उसके रेट भी 40% कम कर दिए गए हैं, जो कि फोर लेन प्रभावितों के लिए बहुत बड़ा सरकारी धोखा है। हम 22 जनवरी के बाद आगामी रणनीति बनाएंगे। वह 213 में जो भू अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा लेने हेतु धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार आज तक सड़क निर्माण की रूपरेखा ही नहीं बता स्पष्ट कर सकी और ना ही प्रभावितों के प्रति गंभीरता से मुआवजा राशि की दरें निर्धारित कर सकी है। हम करीब कंडवाल से सिवनी तक 3800 परिवार। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।